हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कनाडा की टॉप ट्रेंडिंग जॉब के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब के लिए। कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जॉब है सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी कि आईटी की। तो सभी को पता है, जब से कोविड गया उसके बाद आईटी की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है, और अभी तो जब वेब 3.0 आने वाला है जिसके लिए सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सबसे डिमांडिंग जॉब रहती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की। तो ये जॉब के अंदर आपके पास काफ़ी लैंग्वेजेस की स्किल होनी चाहिए कि आप काफ़ी सॉफ्टवेयर्स बना सकते हो, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटली हो गया है। जैसे कोई भी चीज़ एक क्लिक पे आपको मिल जाती है, तो सारी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना होता है या फिर एप्लीकेशन बनानी होती है। तो ये ट्रेंड चलने वाला है और चलता ही रहने वाला है, और कोविड ने तो सबको सिखा दिया है कि ज़्यादातर लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चले गए हैं। तो ये सबसे ऑन डिमांड एंड ट्रेंडिंग जॉब है, जिसमें आपको कैनेडियन जो अमाउंट मिलते हैं, सैलरी जो आपको पर आर पे मिलता है, वो 35 to $45 पर आर के हिसाब से मिलता है। और हाँ, आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो $45 से ऊपर भी आपको मिल सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिक्रूटर के बारे में। रिक्रूटर यानी कोई भी कंपनी का हार्ट होता है, बिकॉज ऑफ अगर रिक्रूटर और एचआर नहीं होते तो कंपनी में मैन पावर कौन सप्लाई करेगा। तो कनाडा में अभी जिस तरह से जो सिचुएशन बन रही है, जितने भी नई कंपनीज डेवलप हो रही है और ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो उनके तक पहुँचने के लिए जो मिडल वे का काम करते हैं वो रिक्रूटर्स होते हैं, जो कंपनी के लिए बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए मैन पावर लेके आते हैं और पूरी कंपनी को बैलेंस करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टूल एज वेल एज मैन पावर। तो रिक्रूटमेंट की भी इतनी वैल्यूज है और ये जॉब भी इतनी ट्रेंडिंग में है। तो अगर आप रिक्रूटमेंट और रिक्रूटर की जॉब के लिए आप देखना चाहते हो कनाडा में, तो ये भी एक हाईली रिकमेंड है। और अगर आपको रिक्रूटर के लिए रिक्रूटमेंट में जाना है, तो उसकी जो सैलरी रहती है $25 to $35 रहती है, और अगर आप हाईली एक्सपीरियंस हो तो उसके ऊपर $45 to $50 तक भी आपको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए। ये भी एक अच्छा ट्रेंडिंग है, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है, आप कोई भी डोमेन ले लो, या सिविल का हो गया, फिर मैकेनिकल हो गया, फिर आईटी का हो गया, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की एक पोस्ट होती है जिसके अंदर उनको पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट को मैनेज करना रहता है विद द हेल्प ऑफ टीम। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट लेके एंड तक उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और उनकी जो स्किल क्या रहती है उसके ऊपर ये पूरी जॉब होती है। तो पेट्रोलियम में भी चाहिए होता है, और आपको पता है कि हर कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर का एक रोल होता है। तो ये भी एक हाईली डिमांडिंग पोजीशंस है कनाडा के अंदर, और अगर आप ये पोजीशंस के लिए आप एलिजिबल हो, तो आपको $40 to $45 पर आर के हिसाब से आपको अर्निंग वहाँ पे मिल सकती है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए। उसमें आपको सबको पता होता है कि अभी जब ऑनलाइन का जो माहौल चल रहा है कोविड के बाद का, कि हर चीज़ आपको ऑनलाइन ही चाहिए, तो उसके लिए ना आपको 24 आवर की सपोर्ट सिस्टम चाहिए, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कंप्लायंस में कुछ इश्यू होता है, या आपने कुछ परचेस किया है, या कोई टेक्निकली सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये एक पोजीशंस होती है जहाँ पे आप इस तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ताकि हर इंसान को जो भी सर्विसेज लेता है या सर्विसेज देता है, उनको जो सपोर्ट्स के लिए बैकएंड टीम होनी चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए रहती है। तो ये एक अच्छी डिमांडिंग जॉब है अगर आपको इस तरह की करियर में आप आगे बढ़ना है कनाडा में तो। और उसकी जो सैलरी रहती है, लाइक जो आपको पर आर अमाउंट मिलती है, $20 to $25 Canadian पर आर के हिसाब से आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की सबको पता है कि कंपनीज के अंदर नंबर्स, अकाउंटिंग के बिना पता ही नहीं चलता कि प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, लॉस कहाँ जा रहा है। तो अकाउंटेंट की जॉब प्री और पोस्ट कोविड दोनों टाइम पे ट्रेंडिंग में रही है, क्योंकि कंपनी जब भी ओपन होती है तो उनको ईयरली नंबर्स के लिए अकाउंटेंट की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऑन गोइंग डिमांडिंग है। जब भी आपको लगता है कि आपके पास अच्छी स्किल है अकाउंटिंग के, आपको जो टूल्स है या सॉफ्टवेयर से आपके पास अच्छा एजुकेशन है रिलेटेड टू दिस अकाउंटेबिलिटी, और उसमें काफ़ी टूल्स भी होते हैं, अगर आप उसका सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो और उसका स्टडी के बाद भी अप्लाई करते हो, तो आपके लिए ये अच्छी डिमांडिंग जॉब है, जिसमें आपको सैलरीज या जो आपको पर आर के हिसाब से मिलता है $25 to $60 पर आर। अब हम बात करते हैं वेयरहाउस असिस्टेंट की। ये जॉब स्टूडेंट्स अगर पढ़ने आते हैं और उनको पार्ट टाइम जॉब करनी होती है, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि वहाँ पे उनको फिर वेयरहाउस को ही मैनेज करना रहता है, कि उसके अंदर जो भी चीज़ें आती है जाती है, पूरा लॉजिस्टिक होता है, उसी तरह से उनको पूरा मैनेज करना रहता है, और उसके अंदर हर एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट है। और आपके पास उसके रिलेटेड करियर बनाना है, तो आप उसके अंदर तो प्रोफेशनली भी जा सकते हो,
और उसके अंदर आपको मिलेगा 15 से 16 कैनेडियन डॉलर पर आर के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए। ये जॉब आपको वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोविड के बाद ये सारी जॉब्स की जो अवेबिलिटी है वो वर्क फ्रॉम होम में भी कंटिन्यू हो सकती है, तो उसके लिए आप घर से भी काम कर सकते हो। और जब ऑनलाइन जो शॉपिंग वाला जो ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर सपोर्ट सिस्टम में बैकएंड से जो चाहिए कि उनको कुछ रिप्लेसमेंट वगैरह है या फिर कुछ चीज़ में कुछ उनको सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये जॉब हर एक के लिए ईजी टू है। स्टूडेंट्स भी उसमें पार्ट टाइम में कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कहीं पर जाने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, तो वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसका जो आपको वेजेस मिलता है कैनेडियन, 15 कैनेडियन डॉलर से लेके 25 कैनेडियन डॉलर पर आवर के हिसाब से मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र के बारे में। ये एक ट्रेंडिंग है बिकॉज ऑफ जब से कोविड गया है उसके बाद और अभी जो माहौल चल रहा है उसके बाद सब लोग हेल्थ को लेके और इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा यूज्ड टू हो गए हैं कि उनको किस तरह से उनका जो भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है मैनेज करना है, और उसमें अवेयरनेस भी काफ़ी आ गई है। तो अब काफ़ी लोग कंसल्ट करते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र को कि लाइक म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है और बॉन्ड्स है, तो उसमें किस तरह से उनको खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करना है या किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए, तो ये फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो पोस्ट होती है, जॉब होती है, वो सबसे अच्छी ट्रेंडिंग में रहती है और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। तो अगर आपको कैनेडा में इस तरह के लिए जाना है तो आप ये करियर भी वहाँ जाके बना सकते हो। तो उसकी जो सैलरी रेंज होती है $25 to $60 पर आर के हिसाब से। अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड नर्स के बारे में, जो कोविड के टाइम के बाद उनकी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। तो ये लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारी मेडिकल इमरजेंसी में हेल्प करते हैं, 24 आवर की जॉब में उनको जब भी जाना होता है अर्ली बेसिस पे जा सकते हैं। तो इसके बारे में तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मेडिकल है ही ऐसा प्रोफेशन कि हर बार उसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन या फिर नर्सिंग में करियर बनाना है तो ये कैनेडा के अंदर सबसे अच्छी डिमांडिंग, ऑन डिमांडिंग, ऑल टाइम डिमांडिंग जॉब है, जिसका आपको मिल सकता है 20 कैनेडियन डॉलर पर हिसाब से लेके 60 और 70 तक मिल सकता है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि आपके आप कौन से लेवल के नर्स हो। सो फ्रेंड्स, आज मैंने जितने भी प्रोफेशंस के बारे में आपको बताया कनाडा कंट्री के लिए करियर बनाने के लिए, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोफेशन में करियर बनाना है या बनाने का सोच रहे हो, तो कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा जो पोर्टल चल रहा है वो इंडीड का है। तो इंडीड के अंदर आप आपका रेज्यूमे अपलोड करके आप जॉब इजीली सर्च कर सकते हो, बिकॉज ऑफ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में यही पोर्टल चलता है। तो आपको ये पोर्टल हाईली रिकमेंड है, अगर आप कनाडा में हो या फिर उसके लिए अप्लाई करते हो तो ये पोर्टल पे ज़रूर विजिट करना, और लिंक मैंने बायो में डाली है तो वो आप एक बार चेक कर लेना। तब तक मैं हूँ मयूरी, जय हिंद।